वैसे गाइस आई होप यू आर वेल, आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलो फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो सबसे पहले तो बात उनके लिए जो मॉर्निंग में उठ चुके हैं 4 बजे और 4 बजे से उठकर अपने लेक्चर का वेट कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के सामने लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखते देखते एक साल चला गया और ये साल कैसा रहा आप लोगों का। आज का दिन आप लोगों के पास में आखिरी है, जो सुबह उठे हैं उनके लिए पूरा आज का दिन कंप्लीट आप लोगों के सामने है। तो 4 बजे से लेके आप लोगों का जो शाम तक का दिन रहने वाला है, इसको एनालाइज कीजिए अच्छे से, अपने साल को देखिए पीछे मुड़के एक मिनट के लिए। क्या रियलिटी में ये साल ऐसा ही था जैसा आप लोगों ने चाहा था? अगर हाँ तो बताइए क्या इसमें गड़बड़ रही, अगर ना तो किस तरीके से आप लोग आने वाले साल को चेंज करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप लोग जरूर बताना, और कितनी बार इस साल ने आप लोगों को रुलाया ये भी जरूर बताना। कितनी प्यारी बात बोलेगी यहाँ पर, अकेले होना, और अकेले अगर कोई पर्सन रोता है तो इंसान को बेहद मजबूत बनाता है। अगर लाइफ में कभी भी आप लोगों को लगे ना कि आप लोग अकेले पड़ गए हैं, तो इसका मतलब ये कि वो आप लोगों की लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम रहने वाला है, जो आप लोगों को निखार के जाने वाला है, आप लोगों को नहीं कहते एक नया वर्जन आने वाला है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर तैयार करके जाएगा। आप लोग अगर यहाँ पर कभी भी अकेले बैठकर रोते हैं तो इससे सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप लोगों को किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने आप ही अपने आप को सही करना जानते हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे पर्सन है कि जो अकेले कभी रोए हैं? अगर मेरे से पूछोगे तो हाँ भाई कई बार रोए हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिनको ये लगता है ना कि लड़का होकर रोता है, यार ये देखो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का होकर नहीं रोता है, ठीक है, लड़का भी इंसान होता है। रोना ऐसा नहीं कि लड़कियां ही बस रोना जानती है, फिर लड़कियों के लिए ही रोना होता है, ये सब फालतू की बात है, ठीक है। लड़का भी इंसान है, उसको भी रोना आता है, जब जरूरत होती है रोना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी रो के भी मन हल्का इंसान कर लेता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये लाइफ का पार्ट है, और बीइंग ए ह्यूमन हमारे अंदर इमोशन होते हैं, तो कभी कभी इमोशन काफी हावी हो जाते हैं, कभी कभी चीजें बुरी लगती हैं, कभी कभी अच्छी लगती हैं। तो अगर कभी लगे कि रोना चाहिए तो रो लेना चाहिए। हाँ, ये कोशिश करो किसी के सामने बैठकर न रो, वो आप लोगों का बाद में मजाक उड़ाएगा, यार ये तो उस दिन रोने लग गया था, इतनी इतनी सी बात पर रोने लग जाता है। तो आप लोग अपनी लाइफ को अपने तरीके से अगर जीना चाहते हैं तो कुछ क्षण, कुछ मोमेंट आप लोगों को अपने लिए अकेले भी रखने हैं। और मेरी तरफ से यही सजेशन है, आने वाले साल में अपने आप को टाइम जरूर देना। आप लोग आने वाले टाइम में अगर एक बेहतरीन पर्सन से मिलना चाहते हैं तो कोशिश ये करना कि एक ऐसे इंसान को आप लोग डेली लगभग 30 मिनट देना जिससे आप लोग को खुद भी आज तक ढंग से रूबरू नहीं हुए, यानी कि अपने आप को आप लोगों को टाइम देना है। और जिस दिन आपने अपने आप को समझना स्टार्ट कर दिया, दुनिया बहुत बड़ी है यार, समझते रहना, पहले अपने आप को समझ लो। अगर अपने आप को समझ लिया तो आधी चीजें आप लोगों को वैसे ही समझ में आ जाएगी। तो एक बार अपने आप पर फोकस देना स्टार्ट करो, क्योंकि जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, वो आप लोगों ही अपनी इंप्रूव करनी है, आप लोगों ही अपनी सुधारनी है। बाहर वाला कोई आकर आप लोगों के घर में रोटी देकर आप लोगों को नहीं जाएगा, आप लोगों को ही मेहनत करनी है, आप लोगों को ही अपना जो गोल है उसको अचीव करना है। तो ये सारी चीजें ये आप लोगों को ही करनी है, तो फिर आप लोग अपने आप को ही अच्छे से अपना टाइम क्यों नहीं देते हो? तो अपने आप को आप लोग क्यों इतना इग्नोर करते हो? अपनी सेहत का क्यों ध्यान नहीं रखते हो? अपनी नींद का, अपनी पढ़ाई का, अपने ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते हो? दुनिया पर ज्यादा फोकस रहता है, दुनिया के फोकस को कट कर अपने फोकस में अपने आप को लाना स्टार्ट कर दो। बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो इंसान देगा जिसको आप लोग शीशे के सामने खड़ा होकर देखोगे। नहीं यकीन आता है तो नए साल में इस चीज को इंप्लीमेंट कर देखना। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को करंट अफेयर परेशान करता है तो ये 2 वीडियो हैं जो आप लोगों की परेशानी को दूर करेंगी। अगर इन दोनों वीडियो को आप लोग प्रॉपर वे में देख पा रहे हो तो आप लोगों का बहुत सारा करंट अफेयर का मैक्सिमम जो पोर्शन है, कोई एक आधा क्वेश्चन की तो मैं बात नहीं करता हूं, पर लेकिन हाँ 99% जो चीजें हैं वो आप लोगों की कवर हो जाएंगी अगर प्रॉपर वे में आप लोग इनको कर चलोगे तो। और एक इंटरेस्टिंग बात यार, मतलब सितंबर के महीने की नैनो और द हिंदू की वीडियोस देखी जा रही है, उसके नीचे बच्चे कमेंट कर रहे हैं जाकर, और मैंने बोला पॉलिटिकल रिवीजन स्टार्ट कर दो, तो मुझे लग रहा है लगभग 300-400 बच्चों के करीब पॉलिटिकल की जो वीडियो देखना स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि जाके नीचे डन लिख देना। काफी अच्छा लगा इस तरीके से जो भी लग गए हैं, ऑल द बेस्ट यार, नए ईयर में अपने साल को अच्छे से यूटिलाइज करके चलो। पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी आप लोगों का जो रिवीजन करना है उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारी चीजें चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो कुछ यहां से और कुछ अपने आप से चीजों को लेकर चलो अच्छे से। और जिनको लगता है ना कि बिना कोचिंग के या फिर बिना किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के आप लोगों की तैयारी नहीं हो सकती, तो यार आप लोगों के अंदर अगर गट्स है ना तो सारी चीजें ऑनलाइन आज के डेट में अवेलेबल है। तो कोचिंग के पीछे मत पड़िए, कोचिंग में जो पैसे आप लोग दुनिया भर के वेस्ट करते हैं जाकर वो मत करिए। थोड़ा सा आप लोग अपने टाइम दीजिए, अपने आप को सिलेबस उठाइए, पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो आप लोगों को रास्ता अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस इंसान ने भी लाइफ में अपने आप रास्ता खोजा है ना, वो इंसान हमेशा मंजिल पर सही टाइम पर पहुंच गया है, और जो दूसरों के हिसाब से रास्ते पर चलता है वो मंजिल पर उसको पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। तो अपनी मंजिल अपने आप तय करो, सारी चीजें
ऑनलाइन आज के डेट में अवेलेबल, दुनिया भर की तो गाइडेंस वीडियो मैंने बना रखी है कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है वो जाकर सर्च कीजिए, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे चीजों को लेकर चलना है, अपने कैसे आप लोगों को मॉर्निंग उठना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को आंसर राइटिंग करना चाहिए, कैसे ऐसे लिखना चाहिए, बहुत सारी वीडियो बना रखी है। टेलीग्राम पर जाओगे तो दुनिया भर की वीडियो तो मैंने पिन कर रखी है ऊपर ही, तो ये आप लोगों को अपने आप गाइड कर देंगी अगर आप लोग प्रॉपर वे में थोड़ा सा एफर्ट डालना जानते हैं तो, और अगर एफर्ट नहीं डालना है तो फिर से जैसी चल रही है चलने दो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है जिंदगी। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में, अच्छे से देखिएगा यहाँ पर ये क्विज, इसी के आंसर आप लोगों को वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो अच्छे से आप लोगों को रिविजन भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है पार्लियामेंट के बारे में, कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट के द्वारा अभी एक एक्ट पास किया गया है, एक तरीके से एक्ट नहीं बिल पास किया जो एक्ट बन गया यहाँ पर, जिसके बारे में बात की जा रही है, प्रिवेंशन फाइनेंसिंग ऑफ प्लोरिफ्रेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो वेपन रहते हैं मास डिस्ट्रक्शन जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है उसको बनाने के रोकने के लिए, यहाँ पर इसको मॉनिटर करने के लिए इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली एक बिल पास किया गया, तो कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट है, इसको रिसेंटली अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी डालने की बात की गई थी कुछ दिनों पहले, तो इस तरीके से यहां पर उन्हें कहते हैं कि पहले से ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये नहीं चाहते कि अपने आप को पाकिस्तान की कैटेगरी में लाकर खड़ा करें, तो एक अच्छा डिसीजन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, पर लेकिन इसके पीछे कुछ और मुद्दे हैं जो आप लोग को आर्टिकल में मैं डिस्कस करूंगा। अभी रिसेंटली यहां पर हमारी कंट्री में जो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है और इसी के साथ में जो नेशनल कैपिटल वाला रीजन है, इस पर्टिकुलर एरिया में बोला गया कि शराब पीना अवॉइड करें, यानी कि दारू न पिए। रीजन क्या है, रीजन यहां पर यह कि काफी हद तक अभी कोल्ड सीजन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से जो बॉडी है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, तो जब टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है खासकर उस टाइम पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम बॉडी में होने लगती है, तो यहां पर ये किसके द्वारा ये सजेशन दिया गया है और एक इंपॉर्टेंट टर्म भी यहां पर यूज की गई है जो बोला गया कि मेडिकल इमरजेंसी, जब बॉडी का जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा टाइटली लूज होने लगता है कि हमारी बॉडी उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करती है, यानी कि एक तरीके से बॉडी में जो एक तरीके से जो बॉडी की जो हॉटनेस है उसमें एक तरीके से कमी रहने लगती है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि जितनी बॉडी हमारी हीट प्रोड्यूस करती है उससे ज्यादा हमारी बॉडी की हीट लूज होने लगती है, तो इससे बॉडी को बहुत सारे नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा ये थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये रिसेंटली कहां पर एक ये प्रोजेक्ट यहां पर अभी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है किस पर्टिकुलर एरिया में लॉन्च किया गया इसके बारे में आप लोगों को बताना है, और नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड है यहां पर प्रोजेक्ट तो इसलिए इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ जाती है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, तो ये रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में बात की जा रही है कि अगर आप लोग एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर दिल्ली मेट्रो की जाते हैं तो यहां पर आप लोगों को ये एक ही कार्ड से काम चल जाएगा, यानी कि वही मेट्रो का कार्ड है और वही आगे चलकर आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, जैसे नहीं ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन वन टैक्स जीएसटी आ गया, तो इसी तरीके से पूरी कंट्री में एक ही कार्ड चलाने की बात की जा रही है। लास्ट ईयर इसको अहमदाबाद में ट्राई किया गया था, अब दिल्ली में ट्राई किया जा रहा है, तो किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। अगर बात करें नेशनल कॉमन मोबिलिटी जो कार्ड है यहां पर ये रिसेंटली जो आइडिया अभी निकल कर आ रहा है इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उस कमेटी के जो यहां पर जो हेड थे उनका नाम आप लोगों को बताना है और काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे ये, तो इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और टर्म यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में, ये साइंटिफिक टर्म आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि एक एरिया अराउंड द स्टार ऐसा हो, यानी कि एक जो तारा है एक कोई ग्रह है उसके आसपास ऐसा एरिया जो ना तो बहुत ज्यादा हॉट हो और ना बहुत ज्यादा कोल्ड हो, यानी कि वहां पर इंसान जो है या फिर वहां पर एक तरीके से एक नहीं कहते कि एक इन्वायरमेंट के एग्जिस्ट करने की संभावना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक टर्म यूज की जाती है और जी से बनती है टर्म, तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहता है कि है क्या, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर याद आ रही है तो बताइए वरना तो डिस्कशन करेंगे हम इसके बारे में। अभी जो हमारी कंट्री में जो वनस्पति वैज्ञानिक यानी कि जो बोटनिस्ट हैं उनके द्वारा डिस्कवर की गई है एक अभी जो वाइल्ड सन रोज, ये वाइल्ड सन रोज है यहां पर इसका नाम क्या रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। ये अभी रिसेंटली ईस्टर्न घाट के अंदर जो हमारी कंट्री में प्राकासम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर वहां पर इसको डिस्कवर किया गया है, तो ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आप लोगों से पूछ जाते हैं, एग्जामिनर के बड़े फेवरेट होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीजें, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जो कि आप लोगों को काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। पर लेकिन आगे बढ़ाने से एक छोटी सी बात, यहां पर मैं कमेंट पढ़ रहा था तो कई सारे ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिले जिसमें बच्चा जो है काफी गुस्सा दिखाई दे रहे थे, उन्होंने बोला कि सर हमने बोला था कि नैनो मैगजीन जो है आपने यहां पर एक कम्युनिटी टैग में सुझाव मांगा हमसे, तो आप लोग आपने टाइम दिया 4, 4:30 और 5, तो सबसे ज्यादा जब वोट 5 को मिली है तो फिर आप वीडियो 4:30 बजे क्यों लेकर आ रहे हो,
आप वीडियो 5 बजे क्यों नहीं लेकर आ रहे हो जब सबसे ज्यादा वोट सर इसको मिली है। सर आपने वोटिंग करा ही क्यों थी जब आपको अपनी मनमानी करनी थी और लेकर भी उस पर आ रहे हो जो सबसे कम बच्चों ने वोटिंग की थी। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, आपको बिल्कुल वोटिंग करानी नहीं चाहिए थी जब आपको इस तरीके से इंप्लीमेंट करना था। या तो उसको 4 बजे लेकर आते कम से कम, जो कि सेकंड हाईएस्ट है, वरना डेमोक्रेसी के हिसाब से चले तो ये 5 बजे आनी चाहिए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा यार, बच्चे की बात भी सही है अगर देखा जाए तो। या तो मुझे वोटिंग नहीं करानी थी, अगर वोटिंग करानी थी तो इसके हिसाब से चलना था। आप लोगों का क्या मानना है 2 महीने आने जनवरी और फरवरी में, क्या इसको 5 बजे कर देना चाहिए ताकि जो भी अपना इसको लगता है कि देखो पहले वोटिंग मैंने कराई है तो मेरी गलती है, मुझे करानी चाहिए थी, अगर पूछना था तो फिर उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो 5 बजे अगर वीडियो आती है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं 4:30 बजे बोल तो दिया है, ना तो 4 बजे वाले उठ रहे हैं और ना 4:30 बजे वाले उठ रहे हैं, मानी कि बहुत कम बच्चे उठ रहे हैं। मैं देख रहा था कि लगभग 1100 या 1000 के करीब लाइव आ रहे हैं, जबकि 4 बजे जब उठ रहे थे तब 1200-1300 के करीब लाइव आ रहे थे। तो इसका सीधा सीधा मतलब मैं क्या समझूं, तो आप लोग किस तरीके से आप लोग क्या चीजें चाह रहे हैं। तो यहां पर ये 4 बजे वाला टाइम पच नहीं रहा है या फिर क्या चीजें चल रही हैं, या फिर जो 5 बजे वोटिंग जीत कर आ रही है तो 5 बजे कर देना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोग राय बताइएगा। मुझे लग रहा है कि जिस कई सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं वैलिड है, उनके कमेंट जब यहां पर मेजोरिटी जीती है तो यहां पर बिना कुछ सोचे समझे जब जिस जो वोट डाली गई है तो 5 बजे को डाली गई है, तो फिर इनका कोई मतलब रह नहीं जाता है। बाकी आप लोग बताइए यार, जो मुझे मतलब सुनकर थोड़ा सा लगा मुझे एकदम कि सही बोल रहा है बंदा। वैसे चलिए आगे चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में यहां पर बात करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं, एक एक कर नजर डालते हैं। बात की जा रही है यहां पर तुर्की की पार्लियामेंट के बारे में। तुर्की को पहले आप लोग एक बार मैप में निहारिए, ये तुर्की आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा इसको आप लोग वैसे देखेंगे तुर्की को इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। यहां से आप लोग देखिएगा ये हो गया तुर्की। तो तुर्की को आप थोड़ा सा जूम करके जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ऊपर हो गया ब्लैक सी और नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन सी, इसके बीच में है तुर्की। तुर्की को अगर डिवाइड करेंगे आप लोग तो ये वाला पोर्शन तुर्की का आता है यूरोप के अंदर, तो एक यूरेशियन कंट्री है, यानी कि यूरोप और एशिया के अंदर आती है, उसको यूरेशियन कंट्री आप लोग बोल देते हैं। तो तुर्की भी यूरेशियन कंट्री है और रशिया भी यूरेशियन कंट्री है, तो कंफ्यूज मत होना दोनों के बीच में। तो तुर्की है यहां पर अभी, और यहां पर अगर नीचे जाएंगे तो आप लोगों को ये मैप भी देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये ब्लैंक मैप आप लोग यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से वो नहीं कि अपना आइडेंटिफाई करने के लिए कोई लोकेशन अगर आप लोगों को बोल दी जाए तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू लोकेशन है इधर, यहां पर इसका नाम आप लोगों को बताना है क्या है, ठीक है। इसी के साथ में तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक, आर्मेनिया, जॉर्जिया और इधर हो गया बुल्गेरिया, इसके आसपास वाला रीजन है। नीचे साइप्रस हो गया, साइप्रस पर आधा जो नॉर्थ साइप्रस है उस पर तुर्की का कंट्रोल है, साउथ साइप्रस वो इंडिपेंडेंट है, और यहां पर हो गया ग्रीस। तो ये हो गया इसके बारे में। अब थोड़ा सा आर्टिकल के अंदर चलते हैं, आर्टिकल में क्या क्या बातें बोली जा रही है। आर्टिकल में ये बोला गया कि तुर्की की पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल पास किया गया है जिसमें इनके द्वारा मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है, जो कि एक तरीके से प्रिवेंट करने का काम किया जाएगा यहां पर, जो फाइनेंस की जाती है प्रोलिफरेशन के, यानी कि जिसकी वजह से बढ़ता हुआ नजर आता है जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे कि आप लोग किसी बॉम्ब के बारे में बात करें, जैसे कि मान लीजिए कोई गैस छोड़ दी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इनको रोकने की बात की जा रही है। बिल आखिर क्यों है, क्योंकि तुर्की जो है वो एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो फाइनेंस इलेक्शन टास्क फोर्स की है उसके सामने अपने आप को ये ऐसा साबित करना चाहते हैं कि भैया ना तो हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है गलत तरीके से कमाया गया पैसा, और ना ही टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, टेररिस्ट मतलब गलत तरीके से कमाया गया पैसा और उसको सिस्टम में लेकर आना मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जैसे कपड़े को धुलकर लॉन्ड्रिंग में आप लोग कपड़ा साफ कर देते हैं, तो बेईमानी से कमाया गया पैसा और फिर उसको मान लीजिए किसी न किसी तरीके से सिस्टम में लेकर आ गए, या तो उसको बैंक में ले जाकर रख दिया, हालांकि बैंक में ऐसे पैसे नहीं रखे जाते, उठाकर कोई फ्लैट खरीद लिया, कोई प्लॉट खरीद लिया, ठीक है। तो उस तरीके से तो या टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जैसे कि अगर कहीं पर कोई अटैक हो रहा है, यूएसए में अटैक हुआ, हमारी कंट्री में पुलवामा, दुनिया भर के अटैक देखने को मिले पास में भी, तो ये सारे कोई ना कोई तो पैसा दे रहा होगा ना, कहां से पैसा आ रहा है, तो वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, तो उसको रोकने की बात की जाती है। तो तुर्की के द्वारा यहां पर बेसिकली इसको रोकने की बात की जा रही है। तो इस बिल के अंदर टोटल मिलाकर 43 आर्टिकल है और 7th लॉ है इसके अंदर, जिसके चलते ये यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और ताकि ब्लैक लिस्ट में जो पेरिस जो वॉच डॉग है, जो बात करते हैं ना यहां पर फाइनेंस इलेक्शन टास्क फोर्स की, ताकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को यहां पर रोका जा सके, तो उसके ऊपर ध्यान रखकर चलेंगे। तो क्या क्या काम करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो एनजीओ है, ठीक है। तो यानी कि जो एनजीओ है उसके जो ट्रस्टी है उसको अपॉइंट करेंगे, ताकि ये एनजीओ जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में कई सारी जो एनजीओ है उनके लाइसेंस रद्द किए गए, ये लग रहा था गवर्नमेंट को कि ये एनजीओ जो है सोसाइटी में सही तरीके से काम नहीं करें जैसे उनको काम करना चाहिए, तो सस्पेंड किया गया उनसे रिलेटेड कई सारी चीजें। इसी के साथ में सस्पेंड की गई जो एक्टिविटीज है, ठीक है, तो ये भी कई सारी चीजें देखने को मिली, कई सारी चीजें यहां पर भी सस्पेंड की गई, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। सीज किए गए कई सारे लोग की जो एसेट्स होती है उसके बारे में बात कर सकते हैं आप लोग।
इसी के साथ में जो मॉनिटर किया जा रहा है, जो सोर्स फंडिंग कहां से निकल कर आ रही है उसको मॉनिटर किया जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो वहां पर एनजीओ वगैरह हैं जो काम करते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप, उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश यहां पर तुर्की गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर तुर्की का आप लोग रवैया देखोगे तो हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं जब आप लोग बात करें जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे पर, ये हमेशा हमारे अपोजिट में खड़े हुए नजर आते हैं, हमारी इंटरनल चीजों पर नेगेटिव कमेंट करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर एक तरीके से तानाशाह वाला रोल प्ले कर रहे हैं आज के दिन में तुर्की के जो लीडर हैं, अगर प्रॉपर वे में उनको अंडरस्टैंड किया जाए तो। बाकी जो भी है देखते हैं क्या चलते हैं। कई सारे क्रिटिक हैं जो इनकी कंट्री के अंदर खुद बोल रहे हैं कि भैया ये एक तरीके से मनमाने ढंग से ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुर्की के अंदर कुछ तो वैसे ही राइट जो है वो ढंग से नहीं है और ऊपर से संविधान के हिसाब से भी ये गलत काम कर रहे हैं। यानी खुद संविधान जो है यहां पर इस तरीके के हक आप लोगों को देता है, तो ये एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन तो संविधान के हिसाब से, लेकिन ये उसको में भी इंटरफेयर यहां पर कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे मूव है यहां पर ये तो ये गलत तरीके से हैं। तो सिविल सोसाइटी जो कि ऑलरेडी बहुत कम फ्री है उसमें एक तरीके से ऐसी चीजें लेकर आना, तो ये एक तरीके से गलत काम यहां पर देखने को मिल रहा है तुर्की के अंदर। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है, यस या फिर नो, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, ये फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स आखिर एक्चुअल में है क्या। फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग FATF बोलते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये रोकती है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग न हो, यानी कि टेररिस्ट को बढ़ावा देने के लिए कोई पैसा न दे, पहला तो इसको रोकती है। दूसरा इसी के साथ में यहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको भी यहां पर रोकने का काम करती है। तो ये बेसिकली जो बनाई गई थी ये आज की डेट में यहां पर जो बनाई गई थी फ्रांस पेरिस के अंदर बनाई गई थी और ये आज की डेट में इसमें 39 मेंबर है। तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी, G7 कंट्री के द्वारा बनाई गई थी। ये वही G7 कंट्री है जिसमें से रसिया बाहर निकल गया और ये पहले G8 थी फिर G7 यहां पर रह गई है। तो इनका बेसिक पर्पज ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, पर लेकिन 2001 में यहां पर इसको एक्सपेंड किया गया और टेररिज्म फाइनेंसिंग भी इंक्लूड किया गया। तो अगर आप लोगों से वही बोले कि FATF ओनली मनी लॉन्ड्रिंग के काम करती है, नहीं, ये टेररिज्म की फाइनेंसिंग को भी रोकने का काम करती है और म्यूचुअल ये एक तरीके से मिलकर काम करते हैं इस चीजों को रोकने का। अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जा चुका है यहां पर और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की बात की जाती है कई बार। तो अभी देखते हैं यहां पर किस तरीके से चीजें बढ़ती हैं। अभी यहां पर पहले दो इसके प्रेसिडेंट थे वो कोई और थे, अभी यहां पर ये मार्कस प्लेयर तो ये यहां पर नए प्रेसिडेंट इसके बने हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकते हैं इनके बारे में, याद रखेगा 1989 में यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो ये है इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ये आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन बने तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज है ये एक नेशनल लेवल की न्यूज है और एक हेल्थ से रिलेटेड भी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। देखिए COVID-19 जो है ये माना जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो खांसी नजला जुकाम आप लोगों को बढ़ रहा है, तो COVID-19 के बढ़ने के चांसेस भी इसके साथ में हो सकते हैं। पर लेकिन इसी के साथ में एक और नई सिचुएशन यहां पर निकल कर आ रही है जिसको बोला गया हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया बेसिकली होता क्या है, पहले अगर आप लोगों को समझाना हो तो आप लोग इसके डेफिनेशन समझिए। हाइपोथर्मिया एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो लूज करना स्टार्ट कर देती है, एक जो उसकी जो हीट है वो फास्ट लूज करना स्टार्ट कर देती है एज कंपेयर टू जितना वो एक तरह से प्रोड्यूस कर रही है। यानी कि ये बॉडी टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन होने लगता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में। यानी कि जितना हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रही है उससे ज्यादा हमारी बॉडी में से हीट जो है वो खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से एक ह्यूज लेवल पर आप लोगों को ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके चलते जो इंसान की कई बार डेथ भी हो जाती है काफी ज्यादा सीवियर कोल्ड की वजह से। तो अलग अलग टेम्परेचर यहां पर अलग अलग इंपैक्ट डालते हुए जब नजर आते हैं तो इस तरीके से यहां पर हमारी बॉडी में टेम्परेचर प्रॉपर में मेंटेन नहीं रह पाता है, तो ये हाइपोथर्मिया कंडीशन इसको बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग IMD बोलते हैं, कौन से मंत्रालय के अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री, बताइएगा इसके बारे में, बाकी तो डिस्कस करूंगा ही मैं। तो यहां पर अगर बात करें तो इसके द्वारा बोला गया कि नॉर्थ इंडिया में क्यों बोला गया, आखिर बेसिकली नॉर्थ इंडिया में यह बोला गया कि हमारी कंट्री का जो नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन है, अगर थोड़ा सा आप लोग मैप में अच्छे से इसको निहारेंगे तो आप लोग यहां पर देखते हैं नॉर्थ इंडिया में अगर आप लोग जाएंगे तो ये हिमालयन वाला रीजन है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर बर्फबारी आप लोगों को देखने को मिलती है। साउथ इंडिया के पास में जाएंगे तो इक्वेटर है जिस पर गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया में खासकर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर मैप के बेस पर आप लोग काम करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में, और इसी के साथ में खासकर NCR वाले रीजन में जहां पर अगर हिमालय वाले रीजन में बर्फ पड़ती है तो दिल्ली में डायरेक्ट ठंडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इससे रिलेटेड पढ़ा होगा तो डायरेक्ट एक इंपैक्ट आप लोगों यहां पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो IMD के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है कि इस टाइम पर आप लोगों को अल्कोहल पीने से बचना है। अल्कोहल जो है थोड़ी देर के लिए इंसान को बॉडी को गर्म करता है, पर लेकिन ये ऐसे ही है जैसे किसी ने कहते कि एकदम जैसे कि आप लोग बोलिए कि बॉडी में से अगर इसको कैसे समझा जाए, जैसे कि
कुछ चीज आप लोग थोड़ी देर के लिए आप लोगों को गर्म करने के लिए दी जाती है, पर लेकिन उसके बाद में वो आप लोगों को ठंडक देगी, उसके बाद में आप लोगों की बॉडी की जो गर्मी है वो एकदम डाउन हो जाएगी एकदम तरीके से। थोड़ी देर के लिए तो आप लोगों के वो जो ब्लड है उसको बॉयल करेगी, चलिए सही है, उसको थोड़ा सा गर्म करेगी, पर लेकिन तुरंत फिर आप लोगों को ठंडी लगने लगेगी, तो उसके बाद में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि ये दारू वगैरह शराब वगैरह पीने से बचना है, जो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये रिड्यूस कर देता है आप लोगों की बॉडी का टेम्परेचर और ज्यादा है। और हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो उनके द्वारा भी यहां पर ये सजेशन दिया गया है। तो इस तरीके से अगर बॉडी की जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो और भी ज्यादा बीमारी लगने के चांसेस आप लोगों को हो जाएंगे, और इस टाइम पर जब कोरोना वायरस चल रहा है तो इस तरीके से सजेशन मान लेना चाहिए। अगर 36 डिग्री टेम्परेचर अगर बॉडी का देखने को मिलता है तो कोल्ड आप लोगों को होने लगता है, 34 में आप लोगों को यहां पर ये एमनीशिया देखने को मिलता है, इसके मतलब कई सारी यहां पर ये बेसिकली बताया गया है कि किस तरीके से बॉडी में टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर आप लोग बोले तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली होना चाहिए, तो जैसे जैसे ये गिरना स्टार्ट हो जाता है वैसे वैसे आप लोगों को यहां पर इसका इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए उसको मेंटेन रखना काफी ज्यादा जरूरी है। जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 30 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है तो इसको ऊपर नीचे अगर होता है तो यहां पर बोला जाता है कि ड्रॉप हो जाता है 35 पर, तो इसको हाइपोथर्मिया कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से तो बॉडी कांपने लगती है, इसी के साथ में जो सांस है वो आप लोगों की स्लो होने लगती है, जो स्पीच है वो भी प्रॉपर में बोल नहीं पाते हैं, कटकट करने लगता है मुंह, और थोड़ा सा आवाज भी वर्ड ढंग से मुंह से नहीं निकल पाते हैं। जैसे अगर बर्फ वाले इलाके में आप लोग जाएंगे तो ये बड़ी नॉर्मल कंडीशन आप लोगों को नजर आएंगी, ठीक है। तो कोल्ड स्किन कोल्ड हो जाती है, फटिक जैसी सिचुएशन आप लोगों को लगने लगती है, तो ये बॉडी में सिम्टम्स आप लोगों पर नजर आएंगे। तो इसके चलते यहां पर आप लोगों को जो ज्यादा कोल्ड है उससे आप लोगों को बचना है, प्रॉपर वे में कपड़े वगैरह अपने कंबल वगैरह चद्दर वगैरह जो भी सुटेबल लगे उसको आप लोगों को रखना है, ताकि बॉडी में इंपैक्ट इसका नेगेटिव देखने को ना मिले। जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं तो मेरे पैरों में सॉक्स होता है नॉर्मली, या फिर कोई चद्दर वगैरह या फिर कैप वगैरह लगाकर बैठता हूं अपनी चेयर पे, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा लगता है कि यार रजाई से बाहर बैठे हुए तो वो है, पर लेकिन आप लोगों को प्रॉपर ये नहीं कि रजाई से बाहर निकल के ऐसे नंगे पैर भाग लेना एकदम निकल के, तो उसके लिए आप लोग कोशिश करो कि सॉक्स वगैरह डाल के रखो पैरों के अंदर, ताकि वो आप लोगों को एक गर्मी प्रोवाइड कराए। तो अल्कोहल से तो बिल्कुल बचना है यहां पर, ये बोला गया, ये बॉडी को बिल्कुल बर्बाद करके रखेगा। और आप लोगों की बॉडी की जो एक तरीके से कई बार ऐसा लगने लगता है कि इसे कई बार ना इसे बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगती है, तो ऐसा लग रहा है एक खून भी जमने लगा है बॉडी के अंदर, तो वो वाली कंडीशन भी कई बार देखने लगती है। तो बॉडी को गर्म रखने के लिए वही बोला गया सीधा सीधा कि आप लोगों को प्रॉपर वे में अपने आप को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ में रखना है, और हैवी कंजप्शन ऑफ जो यहां पर खासकर एल्कोहल उससे आप लोगों को बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि ये कंडीशन को और ज्यादा बर्बाद कर सकता है। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो ये बातें किसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है, तो हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर ऑफिस है जिसको आईएमडी बोलते हैं, इसका नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी जो है ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। काम क्या करते हैं, ये काम यही करता है जैसे अभी इसके द्वारा बोला गया कि भैया ऐसे ऐसे करो तो दारू पीना बंद कर दो वरना दिक्कत हो जाएगी। तो एक तरीके से ये इस तरीके की भविष्यवाणी करता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है, अर्थक्वेक के बारे में बताता है, भूकंप के बारे में, ठीक है। तो ये सिचुएशन बताता है। आईएमडी का हेडक्वार्टर तो नॉर्मली न्यू दिल्ली के अंदर है, इनके हमारी कंट्री कैपिटल के अंदर है, पर लेकिन आसपास वाले रीजन के लिए भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि इंडिया हो गया, अंटार्कटिका वाला रीजन हो गया, यानी कि साउथ में आप लोग जाएंगे ना अपने जो साउथ पोल हो गया पृथ्वी का, उसके आसपास के वाले रीजन में इसके ऑफिस आप लोगों को मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे में भी आप लोगों को नजर आ जाएंगे। 6 रीजनल जो ऑफिस हैं ये मीटरोलॉजी जो आज के डेट में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे हमारी कंट्री का हो गया एमडी आईएमडी, तो वर्ल्ड का हो गया WMO, यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके 6 रीजनल ऑफिस है, जिसमें से एक हमारी कंट्री वाला ये काउंट किया जाता है आईएमडी, ठीक है। तो याद है मतलब क्या बोला मैंने बोला कि जो वर्ल्ड वाला जो ऑफिस है उसका एक पार्ट हमारे वाला ऑफिस भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना। साइक्लोन होते हैं इस वाले इस एरिया में, मलक्का स्टेट में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ में, तो जहां जहां पर भी अगर मैप में आप लोगों को मैं ये एरिया दिखाने की कोशिश करूं तो बेसिकली बात की जा रही है इस वाले रीजन में यहां पर जो भी एक्टिविटी होती है, तो ये हमारी कंट्री का जो आईएमडी है तो ये बताता है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि आईएमडी बस इंडिया के लिए काम करता है तो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, वो इंडियन ओशन में और भी कई सारे एरिया के लिए काम करता है, तो इसलिए कंफ्यूजन में आकर आप लोगों को क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, तो बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके। आइए राज्य के अंदर लेकर चलता हूं, स्टेट से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है, पर लेकिन काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए हो सकती है। यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जो कि काफी न्यूज में अभी, इसका नाम है थुबल डैम प्रोजेक्ट। थुबल डैम जो प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री में, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है, डैम क्या होता है, बांध के ऊपर बनाया गया प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब इरिगेशन के लिए यूज किया जाएगा, इनके सिंचाई के लिए यूज किया जाएगा, मछली पालन के लिए यूज किया जाएगा, आसपास वाले एरिया में वाटर सप्लाई के लिए यूज किया जाएगा। तो एक पर्टिकुलर चीज से कई सारे यूज जब किए जाए, ठीक है,
बिल्कुल आप लोग बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप लोग पर्टिकुलर चीज लेकर आ रहे हैं और कई जगह उसको यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एक तरीके से जो आप लोगों का मोबाइल है वो मल्टीपर्पज डिवाइस हो गई, कई सारे काम आप लोग पूरे करते हैं। तो हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनके द्वारा अभी यहां पर यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो कि थुबल डैम, जिसका नाम याद रखेगा थुबल जो टर्म यहां पर यूज की गई है, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को मणिपुर में देखने को मिलेगी। मणिपुर हमारी कंट्री में एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ये देख सकते हैं ऊपर नागालैंड हो गया, इधर आसाम हो गया और नीचे हो गया मिजोरम, और इंटरनेशनल बाउंड्री है म्यांमार, जिसको बर्मा के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो थुबल डैम प्रोजेक्ट जो है यहां पर ये एक ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ये कौन सी रिवर पर बनाया गया है। तो रिवर का नाम रखिएगा, रिवर का नाम भी यहां पर थोबल है, THOUBAL, तो ये रिवर का नाम है, थोबल रिवर है। ये जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, ये मणिपुरी रिवर है यहां पर, MANIPUR, मणिपुर जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है थुबल, जिसके ऊपर ये डैम यहां पर अभी इनॉग्रेट किया गया है। तो ये जो है बेसिकली यहां पर इरिगेट करेगा लगभग 35,104 हेक्टेयर जो एरिया है उसको ये इरिगेट करेगा यहां पर। देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किया गया, और भी कई सारे प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनके नाम आप लोगों के सामने यहां पर दे रखे हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर कुछ नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिखने के लिए आता है तो ये भी आप लोग वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे बात की जा रही है यहां पर, ये चुराचंदपुर ये मेडिकल कॉलेज है, इसी के साथ में IIIT और इसी के साथ में IT, यानी कि स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये है यहां पर मंत्री पुखारी, तो यहां पर देखने को मिलेगा मणिपुर भवन न्यू दिल्ली के अंदर। यहां पर बात करें इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर इम्फाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कई सारी चीजें यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये है मणिपुर की, ठीक है, तो मणिपुर हो गया यहां पर, इसके बारे में याद रखेगा। तो यहां पर ये बोला गया कि अगर ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट यहां पर हो पाता है तो लगभग इसके अंदर 4,600 ये यहां पर जो GDP मणिपुर की जो इंक्रीज होगी, तो 4,600 करोड़ रुपए के करीब यहां पर ये ह्यूज GDP में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और इसके चलते लगभग 44,000 लोगों को जॉब मिलने वाली है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहां पर होने वाला है। तो मणिपुर के जो यूथ हैं उनको काफी ज्यादा फायदा इससे होगा, और इसी के चलते जो मेडिकल कॉलेज है इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, जो मणिपुर के जो यूथ हैं डॉक्टर यहां से निकल कर आएंगे, तो मणिपुर का जो हेल्थ सिस्टम है वो भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं अगर हम लोग इसको मणिपुर के पॉइंट ऑफ से लेकर चलते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये जो न्यूज है थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। बैंकिंग की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि EPFO, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज आप लोगों के लिए हो सकती है, और वैसे तो ये कॉमन भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC, तो ये NCMC क्या है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यानी कि अगर आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो एक ही कार्ड वहां पर रोल प्ले कर देगा, यानी कि मेट्रो में जाना है, बस में जाना है, या कहीं पर आप लोगों को ट्रेवल करना है, तो वन कार्ड, ये यहां पर वन नेशन वन कार्ड वाली स्कीम है जो कि यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हमारी कंट्री में ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है हमारी कंट्री में, जिसके चलते NCMC जिसको आप लोग बोल रहे हैं, ये एयर जो यहां पर हमारी कंट्री में एयरपोर्ट एक्सप्रेस जो लाइन है दिल्ली मेट्रो की, वहां पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है ये सर्विस। पहले इसको अहमदाबाद में गुजरात के अंदर स्टार्ट किया गया था, अब इसको दिल्ली में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो देखने वाली बात यहां पर ये होगी किस तरीके से इसका रिजल्ट निकल कर आता है। तो वन कार्ड जो है ये इंटीग्रेट रहेगा यहां पर, अगर कोई भी इंसान कहीं भी ट्रेवल करना चाहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो वहां पर वो इसको यूज कर पाएगा। तो ये जो NCMC है यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी जो कार्ड है यहां पर, ये हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वारा, जिसमें नंदन नीलकनी, ठीक है, नंदन नीलकनी, आप लोगों ने यहां पर अगर बात करें आधार कार्ड के बारे में तो काफी लंबे समय से उसके साथ में यहां पर ये कनेक्ट रहे हैं, ठीक है, तो इनकी कमेटी की अध्यक्षता में यहां पर बोला गया था कि हाँ ऐसा कुछ हमारी कंट्री में होना चाहिए। तो NCMC जो है यहां पर ये अलाउ करेगा पैसेंजर को कि रुपया डेबिट कार्ड यूज किया जाए। अब तक हम लोग मास्टर कार्ड यूज करते हैं, वो हमारी कंट्री का नहीं है, हमारी कंट्री का रुपया डेबिट कार्ड है, तो इसको आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। तो ये रुपया डेबिट कार्ड जो है यहां पर ये यूज किया जाएगा, इश्यू किया जाएगा यहां पर लगभग ये एक तरीके से 23 बैंक के द्वारा, ठीक है, और ये लगभग 18 महीनों की बात की जा रही है अभी, तो देखते हैं आगे कैसे चीजें यहां पर चलेगी। तो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप लोग इसको यहां पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और 2022 तक का यहां पर बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो 23 बैंक है हमारी कंट्री में जो यहां पर इसको एक तरीके से आने वाले टाइम में इश्यू करेंगे, और 18 महीनों के लिए बेसिकली यहां पर ही रहने वाला है। बाकी आगे देखेंगे क्या क्या इसके अंदर चेंज लाया जाएगा।
और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों में अभी इससे नेक्स्ट वाले स्लाइड में बताने वाला हूं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिस जो टर्म होगा स्मार्टफोन इंटू ए इंटर ऑपरेबल यानी कि एक तरीके से जो आप लोगों का फोन है वो भी काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। यहां पर मेट्रो में जा रहे हैं या फिर बस के अंदर जा रहे हैं, रेलवे के अंदर जा रहे हैं, तो उसके तहत भी आप लोग यहां पर इसको यूज कर पाएंगे। एंट्री और एग्जिट पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन भी आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं अपना। जिस तरीके से आप लोग इतना आधार कार्ड, तो ऐसा तो नहीं है आधार कार्ड की कॉपी रखनी है, मोबाइल में भी आधार कार्ड लेकर आप लोग घूमते हैं, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जो होती है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इंडिया के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहां पर यह कि इंडिजिनियसली डेवलप है, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा, हमारे द्वारा ही डेवलप ये सिस्टम है। बाहर से हम लोग ये किसी सिस्टम को इस तरीके से किसी के द्वारा डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग मेट्रो, सिटी बस, रेलवे, पार्किंग, कहीं पर टोल में जाते हैं तो इसी कार्ड को आप लोग यूज कर पाएंगे। और इसी के तरह से जो बैंक इशू करेंगे, डेबिट, क्रेडिट या फिर प्रीपेड कार्ड जो रहेंगे वो यहां पर इसमें यूज किए जा सकेंगे। तो ये काफी अच्छा सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप लोग कहीं मेट्रो कार्ड लेकर घूम रहे हैं, कहीं दूसरा कार्ड लेकर घूम रहे हैं, तो एक ही कार्ड अगर काम कर दे तो कैसा रहेगा। तो देखिए हर एक चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं, इंप्लीमेंट करने के बाद में पता चलता है कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, तो उसके बारे में यहां पर देख लेते हैं। वन नेशन वन सिस्टम की बात की जा रही है, वन नेशन वन सिस्टम जो है यहां पर, ये उसके तहत हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसके बारे में कई सारी चीजें बताने वाला हूं, तो एक तरीके से रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्लाइड में कि हमारी कंट्री में वन नेशन वन सिस्टम में क्या क्या लॉन्च किया जा रहा है। तो कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में हम लोगों ने बात की अभी यहां पर, जो कि हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया यहां पर, तो हम लोगों ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि वन नेशन वन कार्ड डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं वन नेशन वन फास्टैग, यानी कि एक बार आप लोगों ने फास्टैग लगा लिया गाड़ी के ऊपर तो अक्रॉस द कंट्री कहीं पर घूम लीजिए, आप लोगों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया, बहुत सारे टैक्स इसके अंदर इकट्ठे करके ला दिए, हालांकि कई सारी स्लैब बना दी कि हाँ जीरो पर होगा, पांच पर होगा, बारह पर होगा, अठारह पर होगा, अट्ठाईस पर होगा, वो सारी चीजें अलग चीज है, तो वो पर लेकिन फिर भी कोशिश की गई है ये ट्राई करने की। वन नेशन वन पावर ग्रिड हमारी कंट्री में आज के डेट में अगर देखें तो इसको भी इंश्योर करने की कोशिश की गई है, ताकि जो हमारी कंट्री में प्रॉपर वे में एक ही जगह अगर आप लोग एक ही सिस्टम के साथ में कनेक्ट होते हैं तो सबको पावर की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में वन नेशन वन ग्रिड यानी कि कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से बात की जा रही है, तो पावर ग्रिड और यहां पर है वन ग्रिड, तो यहां पर सीमलेस जो गैस कनेक्टिविटी है तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो वन नेशन यहां पर हो गया पावर ग्रिड, वन नेशन वन गैस ग्रिड, तो याद रखना यहां पर बिजली के बारे में बात की जा रही है, यहां पर गैस के कनेक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो इसके चलते लोगों को गैस का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा, तो ये भी काफी अच्छा है। अगर इस तरीके देखें वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो आयुष्मान भारत के बारे में बात की, कंट्री में कहीं भी आप लोग चले जाइए अगर आप लोगों के पास में ये कार्ड है तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उसके अंदर में। इसी के साथ में अगर बात करें वन नेशन वन राशन कार्ड, अगर आज के डेट में आप लोग बिहार के अंदर रहते हैं और आप लोगों को लगता है कि साउथ इंडिया में जाकर आप को जॉब करनी है तो वहां पर भी काम कर सकते हैं, तो आप लोगों को राशन मिल जाएगा वहां पर, क्योंकि आप लोगों का कार्ड वहां पर भी अवेलेबल होगा। और अब हमारी कंट्री में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, उनसे रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट, तो ई नेम का नाम जिसको दिया गया है, तो इसके चलते ये हमारी कंट्री में पूरी कंट्री में एक एग्रीकल्चर मार्केट रहेगी, तो पूरी कंट्री किसानों को एक ही प्राइस पर यहां पर दाम पर उनको चीजें मिलेंगी, यानी कि बेच सकते हैं मार्केट के अंदर आकर, तो ये किसानों को काफी फायदा पहुंचाने वाली चीज है, तो इसके लिए भी इंप्लीमेंट की जा रही है चीजें, तो ये भी याद रखिएगा वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये कुछ जिसको ई नेम का नाम दिया गया है, तो ये कुछ सिस्टम है, अगर कुछ आप लोगों को लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर भी आप लोग इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसको आप लोग वैसे भी सेव कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में तो आप लोगों के पास में रहेगी ही, ठीक है। आइए अब आगे चलता हूं, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, थोड़ा सा आप लोगों को अपने सिस्टम के बारे में जानने को मिलेगा कि हमारी पृथ्वी पर क्या क्या चीजें कुछ हैं, इस तरीके से कैसा एनवायरमेंट है, सूरज का जो सिस्टम है, तो कई सारी चीजें जानने को मिलेगी। पहले एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करिए यहां पर, ये यहां पर ब्रेक थ्रू लिसन, ये ब्रेक थ्रू लिसन जो प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री में स्टीफन हॉकिंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये वही पर्सनैलिटी है जो चल नहीं पाते थे, ये प्रॉपर वे में अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाते थे, पूरा व्हील चेयर पर रहते थे, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ भी हुई थी। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे स्टीफन हॉकिंस, तो इनके बारे में बात की जा रही है, इनके ऊपर एक वीडियो भी मैंने डाली थी चैनल के ऊपर, सर्च कर लीजिएगा स्टीफन हॉकिंस बाय वीर, तो आप लोग को देखने को मिल जाएगी। मोटिवेशन की वीडियो थी एक बेसिकली, कि एक पर्सनैलिटी क्या क्या करके जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी की जो उसकी बॉडी उसको रोकती है, तो अगर वो अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो इंसान अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाएगा अगर, तो सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। तो 100 मिलियन का ये एक प्रोजेक्ट था जो कि एक तरीके से जो यहां पर स्टार्ट किया गया था, इसके चलते जो बेसिकली आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा के बारे में भी बात करूंगा, प्रोक्सिमा जो यहां पर सेंटोरी है तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा सूरज है ना, बिल्कुल उसके जैसे ही यहां पर एक स्टार है,
तो उसके बारे में स्टडी करने की बात की गई थी, जिसका नाम यहां पर रखा गया प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जिसको पीसी भी आप लोग बोल सकते हैं, प्रियंका चोपड़ा प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, याद रखने के लिए जो भी सुटेबल लगे कनेक्ट कर लिया कीजिए। ठीक है, तो यहां पर प्रोक्सिमा जो सेंटोरी है, यहां पर ये एक तरीके से बिल्कुल ऐसे सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है कि जैसा हमारी जो सूरज हो गया उसके आसपास में जैसे सारे ग्रह घूम रहे हैं और हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, तो पृथ्वी पर लाइफ पाई जाती है। तो एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि ये भी यहां पर लाइफ हो सकती है, यानी कि लाइफ सस्टेन होने के चांसेस यहां पर है, ऐसा माहौल यहां पर मिल सकता है। पर लेकिन मिल सकता है, यानी कि एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये यहां से 4.2 लाइट ईयर अवे है, अगर सन से आप लोग इसके डिस्टेंस की बात करते हैं। और मास में अगर बात करें तो 8th है ऑफ सन का, यानी कि सन का लगभग एक यहां पर आठवां हिस्सा है, ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर पृथ्वी से आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो बिना एक तरीके से प्रॉपर इक्विपमेंट के आप लोगों को ये दिखाई भी नहीं देगा। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहें तो ये हो गया हमारा सूरज, तो इसके आसपास वाला रीजन हो गया अपनी जो हमारा गैलेक्सी वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, इसके बाहर जाएंगे तो एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके दो प्रोक्सिमा जो सेंचुरी है, जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है, ये तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी अल्फा सेंटोरी ए और इसी के साथ में अल्फा सेंटोरी बी, ये इसके ग्रह हैं जो इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। तो ये आप लोगों को बेसिकली समझाने के लिए पिक्चर डाली गई है। आखिर कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, तो जो बी वाला पार्ट है, प्रोक्सिमा जो बी है, मैंने ए भी अभी आप लोगों को दिखाया ना, यहां पर ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो इसमें जो बी वाला पार्ट है उस पर ये बोला गया कि जो बी है वहां पर वो एक तरीके से रिवॉल्व जो कर रहा है वो काफी सिग्निफिकेंस है और काफी क्यूरियोसिटी वाला रीजन है हमारी जो पृथ्वी पर जो साइंटिस्ट है उनके लिए, क्योंकि यहां पर ये माना जा रहा है कि इसका जो साइज है 1.2 टाइम लार्जर देन अर्थ, अर्थ का लगभग 1.2 टाइम ग्रेटर है इसका जो एरिया है। ठीक है, तो इसी के साथ में अगर बात करें, ये जो स्टार है ये 11 दिन में यहां पर जो प्रोक्सिमा जो भी है ये प्रोक्सिमा सेंचुरी का चक्कर लगाता है। ठीक है, और बेसिकली यहां पर एक टर्म यूज की गई जो मैंने क्वेश्चन भी पूछा, इसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ये गोल्डीलॉक्स जोन यहां पर पास्ट में भी क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट बन जाता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए आखिर ये गोल्डीलॉक्स जोन होता क्या है। तो जैसे हमारी जो सूरज है उसके आसपास में हमारी पृथ्वी होगी, पृथ्वी पर जीवन है, तो एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं जो ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो और ना जो बहुत ज्यादा ठंडा हो, और एक तरीके से पानी पाने की संभावनाएं जहां पर एग्जिस्ट करती हो, जिसमें एक तरीके से जो सरफेस है प्लैनेट का वहां पर एक तरीके से पानी की संभावनाएं हो। ठीक है, तो उस तरीके से वहां पर उसको गोल्डीलॉक्स बोलते हैं, एक तरीके से जहां पर जीवन होने की संभावनाएं हो, सीधा सीधा आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो अर्थ जो है अर्थ इज इन द सन गोल्डीलॉक्स जोन, यानी कि यहां पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा ठंडी है, इसीलिए हम लोग यहां पर सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो सन के गोल्डीलॉक्स जोन में। इसी तरीके से जो प्रोक्सिमा बी सेंचुरी है, यहां पर ये सेनेटोरी है प्रोक्सिमा बी, ये यहां पर क्या है, ये यहां पर जो प्रोक्सिमा जो यहां पर ये सेनेटोरी है, इसका जो ये प्लैनेट है यहां पर, ये गोल्डीलॉक्स जोन की कैटेगरी में यहां पर रखा गया है। तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि यहां पर वाटर प्रेजेंट हो, और जहां पर पानी होगा वहां पर लाइफ अपने आप होगी। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हो सकता है कि यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर जो सोलर फ्लेयर होते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा गर्मी, कोई ब्लास्ट आप लोग बोल सकते हैं, कि हो सकता है कि यहां पर बिल्कुल कुछ भी अवेलेबल ना हो। तो ये एक तरीके की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। ठीक है, यानी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, जैसे मैंने बोला था कि 4 बजे वीडियो लेकर आता हूं, मुझे लग रहा था कि यार इतने बच्चों ने वोट किया है तो लगभग 4 बजे 3-4 हजार तो आदमी उठ ही जाएंगे, पर लेकिन एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी। मैंने सोचा यार 4:30 बजे कर देता हूं, चलो कोई नहीं थोड़ा सा और उठना स्टार्ट करेंगे, पर इस तरीके से जितने लोगों के द्वारा वोट की जाती है कि हाँ ये काम करेंगे, तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन थी ना उठेंगे, पर लेकिन नहीं उठे उतने सारे लोग। तो वैसे एक तरीके से इतना सबके अंदर डेडिकेशन भी नहीं होता है किसी चीज को बोल दे और वो कर जाए, अगर ऐसा कर जाए तो सारे टॉपर बने घूमेंगे, तो कुछ ही लोग वो काम कर पाते हैं। तो उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन थी, ये भी यहां पर इनकी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा कुछ होगा, तो उसी एक्सपेक्टेशन के बारे में मैं यहां पर बात करूं। तो एक्सपेक्टेशन कुछ होती है पर लेकिन रिजल्ट कुछ और निकल कर आता है, तो एक अलग चीज होती है दोनों। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है वो है इटली के बारे में, तो इसके लिए आपको लेकर चलता हूं ई है हमारा गोला। तो इस गोले पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ई है हमारी कंट्री, ये है हमारा देश भारत, और यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हो गया इटली। तो इटली जो है यहां पर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो न्यूज आप लोगों के सामने आने जा रही है। तो आइए आप लोगों को इटली लेकर चलता हूं। ठीक है, फिर बोलना मत कि आप लोग कभी यूरोप में घूमने नहीं गए हो। ओके, तो यहां पर बात की जा रही है थर्मोपोलियम के बारे में। तो ये जो बेसिकली थर्मोपोलियम है, ये बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं जैसे आज के डेट में आप लोग कहीं पर जाते हैं तो काउंटर लगा होता है ना कि यहां पर बिरयानी मिलेगी, यहां पर आप लोगों को आइसक्रीम मिलेगी, यहां पर आप लोगों को ये चाउमीन वगैरह जो भी आप लोग लेते हैं, पिज्जा बर्गर, ये सारे इस तरीके से जो लगा होता है। तो ऐसा ही एक थर्मोपोलियम जो है ये अभी डिस्कवर किया गया रोम एम्पायर में, जो कि यहां पर जो सिटी है, पर्टिकुलर जो टाउन है उसके अंदर में। तो ये यहां पर वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंस जो यहां पर ये आर्कियोलॉजिकल साइट है उसके अंदर देखने को मिला। तो कहां पर है यहां पर ये, तो ये पोम्पी के अंदर है,
पोम्पी, कहां पर ये इटली के अंदर है। तो यहां पर अभी क्या देखने को मिला है, तो यहां पर हालांकि आधा पोर्शन जो था इसका 2019 में ये अभी खुदाई में यहां पर इसके बारे में पता चला था पोम्पी के अंदर, और आधा अभी यहां पर देखने को मिला है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर यहां पर बनी है, तो यहां पर कहीं घोड़े दिखा रखे हैं, कहीं मुर्गे दिखा रखे हैं, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो उस टाइम पर कैसी लाइफ थी उसके बारे में बताया गया, और कई सारे यहां पर वोल्केनिक इरप्शन की बात की जा रही है काफी पुराने टाइम में, यानी कि 79 जो सेंचुरी है यहां पर उसके बारे में बात की जाए, 79 CE के बारे में बात की जा रही है। तो उस टाइम पर यहां पर ये वोल्केनिक इरप्शन के भी यहां पर स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, तो उस टाइम पर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या खाते थे, या पोर्क खाते थे, फिश खाते थे, स्नेल घेंगा वगैरह जिसको बोलते हैं, बीफ वगैरह खाते थे, तो ये सारी चीजों के भी एक एक्सपेक्टेशन यहां पर देखने को मिली है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न सिस्टम आजकल में हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, पुराने टाइम में भी ये सिस्टम फॉलो किया जाता था। तो ये ऐसी खोजबीन यहां पर देखने को मिली है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देख सकते हैं। तो यहां पर कई सारी और भी चीजें देखने को मिली है, ब्रॉन्ज के बॉल वगैरह आप लोगों को देखने को मिले, कई सारे जार जो सेरेमिक जार यहां पर देखने को मिले, ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं वाइन फ्लैश देखने को मिले यहां पर। तो यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं यहां पर जो कि आजकल में हम लोग मॉडर्न टाइम में यूज करते हैं, उससे यह पता चलता है कि हिस्ट्री में भी ये चीजें यहां पर यूज की जाती थी। तो ये इटली में देखने को मिलेगा, इटली में भी खासकर जो बे ऑफ नेपल्स है वहां पर ये देखने को मिलेगा साउथ इटली के अंदर में। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, और एक इरप्शन के बारे में बात की जा रही है वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, जिसका नाम भी याद रखते हैं, ये माउंट विस्युवियस, ठीक है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर इरप्शन देखने को मिला लगभग 2000 साल पहले, तो जिसके चलते माना जाता है कि कई सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो जैसे अपना नहीं था हरप्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई में चीजें देखने को मिली थी, तो उसी के साथ में इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा यहां पर ये किस पर्टिकुलर रीजन में बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है इटली के अंदर में, ठीक है। तो इटली के अंदर में यहां पर पोम्पी और ये माउंट वेसुवियस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। हेल्थ के बारे में यहां पर बात की जा रही है, एक छोटी सी न्यूज है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाएगा। हमारी कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो हर्षवर्धन, अभी बात की जा रही है इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है यहां पर, जिसे न्यूमोनिया होता है ना, पी साइलेंट होता है, तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली PCV इसका नाम दिया गया है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है यहां पर, ये इसका नाम और भी है, अभी आप लोगों को बताऊंगा यहां पर। ये बेसिकली ये जो दवाई डेवलप की गई है हमारी कंट्री में, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SIIPL मिलकर कोलैबोरेट कर रही है, किसके साथ है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स के साथ है मिलकर, इनके द्वारा ये दवाई बनाई गई है। तो निमोनिया के लिए ये दवाई है गवर्नमेंट के द्वारा, अभी यहां पर COVID-19 के दौरान पर जो कई सारी चीज टेस्ट की गई, तो उसमें से ये यहां पर एक दवाई निकल कर आई, ठीक है। इसका जो नाम दिया गया है ये है यहां पर न्यूमोस्किल, ठीक है। तो ये इसका दवाई का नाम दिया गया, एक अफोर्डेबल सिंगल डोज यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि यहां पर एक सॉल्यूशन निकालती हुई नजर आएगी निमोनिया का। निमोनिया कैसी बीमारी है, ये लंग्स से रिलेटेड आप लोगों को बीमारी देखने को मिलेगी। इन्फ्लेमेशन जब देखने को मिलता है निमोनिया के टाइम पर, ये लंग्स में इस तरीके से कंडीशन बन जाती है, तो उसको ठीक करने का काम करेगी ये काफी इफेक्टिव है यहां पर निमोनिया की डिसीज में और उसको प्रिवेंट करने में। तो आने वाले टाइम में खासकर जो बच्चों की भी डेथ हो जाती है कई बार निमोनिया की वजह से, आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें भी यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो किसके द्वारा बनाई गई है, ये यहां पर SIIPL और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा बनाई गई है। नाम क्या रखा गया यहां पर, ये निमोनिसेगल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसको आप लोग, पी यहां पर साइलेंट रहता है, ओके। तो ये इसका दवाई का नाम है और निमोनिया के लिए है यहां पर ये दवाई, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये एजुकेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो एजुकेशन के बारे में क्या बात की जा रही है, तो हमारी कंट्री में यहां पर एक पैनल का नाम याद रखिएगा जिसका नाम है RP तिवारी। तो तिवारी साहब की अध्यक्षता में एक पैनल यहां पर बनाया गया, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 7 मेंबर ये कमेटी थी, जिसमें वाइस चांसलर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब RP तिवारी, तो इनकी अध्यक्षता में पैनल बनाया गया कि आगे कैसे चलकर कॉमन आप लोग होल्ड कर सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट जो टेस्ट जो अंडर ग्रेजुएट होता है ओनली नेक्स्ट जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया गया और एजुकेशन जो है उसको यहां पर इस तरीके से लेकर चला जा रहा है ताकि कंट्री में जो हम लोग उसको ढंग से सुधार सकें, जैसा सिस्टम है उसको इंप्रूव कर सकें। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते यहां पर हमारी कंट्री में एक तो एंट्रेंस टेस्ट जो है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। हर एक चीज के लिए कोई ना कोई एग्जाम होता है, तो उसके चलते जो कोचिंग माफिया है वो धंधा बनाकर बैठे हुए हैं, तो उसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो कोचिंग का सिस्टम है जिसके बच्चे जिसके पास में फीस है ह्यूज फीस है वो तो देकर कोचिंग ले लेता है, जिसके पास में फीस नहीं उसका क्या होगा, तो उसको भी यहां पर एक तरीके से कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके चलते जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके चलते कलेक्टिवली सिंगल यहां पर टेस्ट लेने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते एक से लेके 1.2 लाख तक का जो सीट है अक्रॉस द कंट्री अलग अलग डिसिप्लिन में भरी जाएंगी। तो यानी कि अलग अलग जो टेस्ट होते थे उनको एक ही टेस्ट के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। 16 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है
वो यहां पर जो सेटअप किया गया था अलग अलग टेस्ट उनके लिए यूपीए सेकंड गवर्नमेंट के टाइम पर, तो उसको भी देखते हैं एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा भी आप लोगों को याद होगा उस टाइम पर मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था कि यहां पर अगर बात करें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बात की जा रही है हमारी कंट्री में, ताकि एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी यहां पर लेकर आया जा सके, जो कि अलग अलग अगर बैचलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एडमिशन के लिए, तो फोकस यह किया जा रहा है कि जैसे आज की डेट में अगर कोई टेस्ट लिया जाता है तो आप लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग जाकर टेस्ट देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों एक ही जगह कॉमन टेस्ट यहां पर मिल जाएगा, तो इसके चलते आप लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, उसी के बेस पर आप लोगों का एडमिशन अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, तो एक अच्छा तरीका बोल सकते हो। तो देखते हैं कितने अच्छे से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, तो एक अच्छी न्यूज है यहां पर ये, अगर इस तरीके से होने लगे आप लोग ये सोचिए, अगर यूपीएससी एक टेस्ट कंडक्ट कराए पूरा, ठीक है, और यूपीएससी पूरी कंट्री में टेस्ट कंडक्ट कराए, और ये जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा, उसी में जिन बच्चों को यहां पर एक तरीके से जिनका सिलेक्शन हो गया, टॉप रैंक आईएएस पीसीएस को दे दिया, नीचे वाली रैंक स्टेट पीसीएस को दे दिया, फिर सीजीएल वगैरह की जो रैंक भरना स्टार्ट कर दी नीचे वाली रैंक से आगे, तो इस तरीके से नीचे तक का जो भी सिलेक्शन हो रहा है सबका उसी टेस्ट के थ्रू अगर कंडक्ट करा दिया जाए, तो आज के डेट में जैसे अलग अलग लेवल पर स्टेट के जो टेस्ट होते हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पेपर चोरी हो रहे हैं मार्केट में, पेपर वे एक तरीके सेंटर पर पहुंचे नहीं है, मार्केट में पेपर पहले से हो गए, रेट बंधे हुए हैं, 10 लाख रुपए दे दो तो इसमें पोस्ट में सिलेक्शन मिल जाएगा, 20 लाख रुपए 12 लाख रुपए इसमें जाए, तो ये जो फंडा चल रहा है ना देश के अंदर, जो 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 योग्य है, जो सिटीजन जहां पर पहुंचना चाहिए एक विद्यार्थी, वो वहां नहीं पहुंच पाता है और पैसे वाला पहुंच जाता है, तो ये जो धंधा है, ये धंधा यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग बंद कर पाएंगे। तो ये देखिए अगर चीजें ढंग से चली जाए तो क्या सही होता है और क्या गलत होता है, बाकी तो बस यही है यार, बोलने के लिए चीजें रह जाती हैं, चलिए जो भी है, पर लेकिन बड़े इरिटेटिंग चीज होती है यार ये, मेहनत करने वाला बच्चा बच जाता है और बाकी के पैसे देकर सामने निकल जाते हैं, तो ये चीजें कम से कम बंद होनी चाहिए। इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी के बारे में यहां पर बात करते हैं, जो बोटनिस्ट है हमारी कंट्री में, खासकर जो वनस्पतिक वैज्ञानिक जिनको आप लोग बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो ईस्टर्न घाट के अंदर इनको नई एक प्रजाति देखने को मिली जिसको वाइल्ड सन रोज बोला गया है, ठीक है, तो यहां पर जंगली सूरज गुलाब है यहां पर ये, जिसका नाम रखा गया है, जिसका नाम यहां पर लालाजी, याद रखिएगा बाद में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। एरिया आप लोग देख लीजिए कहां पर ये बात की जा रही है, ये पर्टिकुलर एरिया ईस्टर्न घाट के बारे में बात की जा रही है, तो आंध्र प्रदेश आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जिसके अंदर है यहां पर, तो पोर्चुलिका लालाजी इसका फूल का नाम है, ठीक है, तो यहां पर लालाजी कौन है यहां पर ये, तो हमारी कंट्री में अगर बात करें यहां पर लालाजी जो सिंह थे ये बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड बोटनिस्ट थे, यानी कि वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, जो कि अंडमान एंड निकोबार सेंटर के अंदर यहां पर एसोसिएटेड रहे, तो इनके द्वारा काफी योगदान रहा, उन्हीं को एक तरह से ट्रिब्यूट ये दिया गया है। तो हमारी कंट्री में जो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर, तो उसके अंदर यहां पर ये बेसिकली फूल अभी देखने को मिला, तो बड़ा ही प्यारा सा फूल है, जून से लेकर फरवरी तक यहां पर ये खिला रहता है, यानी कि लगभग अगर देखिए आप लोग तो 8 महीने लगभग ये खिला रहता है, तो यहां पर पिंक फ्लोर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके का यहां पर ये, तो यहां पर जो ये लालाजी के नाम पर नाम रखा गया यहां पर पोर्चुलिका, तो ये जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और ईस्टर्न घाट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और एक कर्नाटक, क्योंकि आप लोग इसने कर्नाटक का ये वाला पोर्शन जो है ये यहां तक एंट्री कर रहा है, तो ईस्टर्न घाट के अंदर कर्नाटक को भी काउंट किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, पर्सन इन न्यूज के बारे में, तो यहां पर जो बात की जा रही है, बात की जा रही है सुनील कोठारी, तो ये काफी इंपोर्टेंट नाम है जो कि याद आप लोगों को रखना है, रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है सुनील कोठारी, तो 87 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई है, कोविड-19 की वजह से यहां पर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली, तो कोविड-19 बहुत सारी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी को लेकर डूब चुका है। सुनील कोठारी 1933 से लेकर 2020 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन लगा, तो कोविड-19 की वजह से निकल लिए ये, तो हिस्टोरियन स्कॉलर और क्रिटिक भी थे यहां पर ये, स्कूल ऑफ आर्ट और इसी के साथ में एस्थेटिक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर काफी बड़ा रोल प्ले किया गया उसको एस्टेब्लिश करने में इनके द्वारा। पद्मश्री अवार्ड मिला 2001 में, इसी के साथ में संगीत नाटक अकेडमी मिला 1995 में, जो खासकर काफी बड़ा इनका योगदान रहा इंडियन क्लासिकल डांस के कंट्रीब्यूशन में, इसी के साथ में इनको अवार्ड किया गया यहां पर डीलिट, ठीक है, तो ये रविंद्र जो भारतीय यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा यहां पर ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। तो ये एक तरीके से जो रिसर्च करता है डांस स्कल्पचर जो खासकर टेम्पल्स में मेडिवल नॉर्थन गुजरात में, तो उसके चलते यहां पर ये अवार्ड दिया गया। थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि 8 क्लासिकल डांस है हमारी कंट्री में, जैसे कि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा, कथक डांस उत्तर प्रदेश में, ये कथकली हो गया केरला के अंदर, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर, मणिपुरी हो गया यहां पर मणिपुर के अंदर, सीधा सीधा याद रख सकते हैं, यहां पर जो मोहिनी अट्टम हो गया केरला के अंदर हो गया, उड़ीसी हो गया उड़ीसा के अंदर, और सतारिय हो गया आसाम के अंदर। सबसे इंपोर्टेंट जो कई बार पूछा जाता है वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा क्लासिकल डांस है, तो ये याद रखिएगा सतारिया है यहां पर ये, ठीक है।
तो ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए अगर आप लोग इन राज्य में से आते हैं। आप अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इनमें से कोई सा एक राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो कम से कम आप लोगों को इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी आप लोग जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो भैया कथक हो गया हमारा, ठीक है। केरला से हैं तो मोहिनीअट्टम हो गया। कई सारे तो आप लोग याद रखते हैं, जैसे कि उड़ीसी, सीधा सीधा मतलब है उड़ीसा का हो गया, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। मणिपुरी हो गया यहां पर मणिपुर का, कुचिपुड़ी यानी ये किसी इंसान को दिखता नहीं है, कम दिखता है, उसको कच्ची पुड़ी खिला दी, तो याद रख लेना उस तरीके से, ठीक है। कुछ भी ऐसा रखेगा, कथकली यानी कि एक तरीके से होने के थे कि कली जो है करेले की कली, तो उस तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ भी याद रख लीजिएगा, मोहिनी अट्टम तो यहां पर करेला, एक तरीके से आटे में करेला मिला दिया, तो कुछ भी इस तरीके से मोहिनी ने, तो कुछ भी याद कर लीजिएगा, बस याद रखना है एग्जाम के टाइम पर, ताकि आप लोग एक टिक लगा सकें सही कि हाँ ये आंसर हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से ये चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि एग्जाम में ना भूलें आप लोग। तो जैसे क्लासिकल डांस है, तो सुनील कोठारी जी ने यहां 12 के करीब बुक लिखी है, डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, और काफी बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने, खासकर भरतनाट्यम, कथक और जो मणिपुरी डांस फॉर्म है। सतारिया में भी एक तरीके से रोल प्ले किया गया, और बाकी जो डांस फॉर्म है जैसे कुचिपुड़ी हो गया, ये इंडियन क्लासिकल डांस है, तो नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें भी यहां पर इनकी डायरेक्शन देखने को मिली, यानी कि अलग अलग क्लासिकल डांस में भी इनकी डायरेक्शन यहां पर निकलकर सामने आई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो आज का डिस्कशन जो है थोड़ा सा यहां पर लंबा हो गया, क्योंकि काफी सारे डिटेल में चीजें देख ली हम लोगों ने। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंटरनेशनल न्यूज के बारे में यहां पर बताया, तो इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने डिटेल में समझा क्या क्या चीजें हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जाना, तुर्की के बारे में हम लोगों ने जाना, इसी के साथ में नेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहां पर ये हाइपोथर्मिया के बारे में जाना, एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पढ़ा अलग से, ठीक है। तो ये याद रखना, जो अलग से डाल रहा हूं ना बिल्कुल, जो ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। इसी के साथ में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैप भी देखा, नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ा, और रिवर भी आप लोगों से पूछी हो याद रखना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर वन मोबिलिटी वन कार्ड के बारे में बात की, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सारी, कौन कौन सी चीजें यहां पर आ रही है, तो इसी की वजह से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है। आप लोगों लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर हो गया यार, देखो अगर चीजें ज्यादा पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। अगर खाना पूर्ति करनी है फिर कि हाँ कम पढ़ा दो और निकल लो, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। तो जो मुझे लगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती जुलती है, उसमें मेरा टाइम भी ज्यादा लग गया वीडियो बनाने में, तो उसके चलते यहां पर एक्स्ट्रा न्यूज है आप लोगों के सामने, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने समझा बिल्कुल अच्छे से यहां पर प्रोक्सिमा बी के बारे में, कि जैसे पृथ्वी पर लाइफ है कि यहां पर भी लाइफ हो सकती है। आर्ट के बारे में बात करें तो मैंने आप लोगों से यहां पर बात की, ये किसके बारे में, इटली के बारे में। तो इटली के बारे में हम लोगों ने देखी कुछ चीजें बेसिकली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी इंपॉर्टेंट थी। हेल्थ के बारे में, दवाई के बारे में हम लोगों ने बात की जो कि निमोनिया से रिलेटेड है, तो ये याद रखना। एजुकेशन के बारे में बात करें तो हम लोगों ने यहां पर आरपी तिवारी पैनल के बारे में जाना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इकोलॉजी के बारे में बात करें तो हम लोगों ने यहां पर लालाजी से रिलेटेड एक फूल के बारे में बात की, और ईस्टर्न घाट के बारे में कुछ देखा हम लोगों ने। और पर्सन इन न्यूज के बारे में बात करें तो सुनील कोठारी जी के बारे में, और यहां पर एक्स्ट्रा जो डांस फॉर्म है ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो काफी एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोग बोल सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि लेक्चर यार इन्फॉर्मेटिव नहीं था जो भी था, तो डिसलाइक आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन लाइक भी जरूर कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता है तो, ठीक है, ये जरूरी है। और अटेंडेंस भी दे सकते हैं लेक्चर को लाइक कर आप लोग, किस नंबर पर लाइक किया वही आप लोगों की अटेंडेंस हो गई, जिसको लगता है कि क्लास की तरीके से बिल्कुल एंजॉय करना है, ठीक है। किस कंट्री की पार्लियामेंट के द्वारा अभी यहां पर बोला जा रहा है कि जो फाइनेंसिंग है मास डिस्ट्रक्शन के वेपन की उसको रोकी जाएगी, तो पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया है। इसी के साथ में यहां पर किसके द्वारा बोला गया कि अल्कोहल पीना बंद कर दो नॉर्थ इंडिया में और कैपिटल वाले रीजन में। मेडिकल इमरजेंसी के एक वर्ड यूज किया गया, जिसमें बॉडी टेम्परेचर लूज करना स्टार्ट ज्यादा कर देती है एज कंपेयर टू जितना जनरेट होता है, तो ये कौन सा टर्म है इसका बताना है। इसी के साथ में आप लोगों से मैंने थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में बात की, तो कहां पर है ये, नॉर्थ ईस्ट में कौन से राज्य में रिलेटेड है यहां पर ये। नेशनल मोबिलिटी यहां पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में बात की, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है ये, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन बताइए। इसी के साथ में किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया यहां पर ये, ठीक है, कौन सी कमिटी थी जिसके द्वारा ये आइडिया दिया गया ये भी बताइए। ऐसा रीजन जिसकी वजह से बोला जाए ना तो ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा सर्द हो, तो वहां पर एक तरीके से पानी होने के चांसेस रहे, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जो कि सूरज के आसपास पृथ्वी पर वो कंडीशन है, ऐसी कंडीशन अभी यहां पर बोली गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। एक स्पीसीज का नाम आप लोगों को बताना है जो कि यहां पर बोला जा रहा है वाइल्ड सन रोज, तो यहां पर उसके नाम पर रखा गया, यहां पर एक पर्टिकुलर लालाजी के नाम पर, तो पूरा नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। आइए थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, यहां पर बात की जा रही है यूएसए के बारे में, तो चलिए वीडियो यार थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, ठीक है, फिर आप लोग चिल्लाने लगते हो। चलिए ये कल का रिवीजन है, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए यहां पर एक बार, और फिर ये हो गया आप लोगों के सामने आंसर, ठीक है, इनको फिर आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, ओके।
तो यहां पर जैसे यूएसए के बारे में बात की थी, एक बच्चे के द्वारा बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली गई कि सर यूएसए पर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, जो खासकर चांद पर हम लोग यूएसए के द्वारा, तो क्यों ना हम लोग पृथ्वी पर इतनी मेहनत करें जितनी चांद पर जाने पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर ही हम लोग इतनी मेहनत कर ले तो चीजें आसानी से सोल्व हो जाएंगी। हम लोग इतनी लंबी लंबी चीजें सोच रहे हैं, वहां ये कर देंगे, यहां ये कर देंगे, अगर धरती पर ही चीजें सुधार ले तो कैसा रहेगा। तो अच्छी बात लगी मुझे ये भी। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। बाकी ये था टोटल आप लोगों के सामने डिस्कशन, इस साल का आखिरी डिस्कशन। अब मैं आप लोगों को अगले साल मिलूंगा, और अगले साल मॉर्निंग में 5 AM मेरी वीडियो आने वाली है। जहां तक मुझे लग रहा है 2 महीने 5 AM रखने वाला हूं मैं इसको, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन मुझे देखने को मिल रही है कि बहुत कम बच्चे उठ रहे हैं यार, कोई मतलब नहीं है उस तरीके से, 1000 बच्चे उठ रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब रह गया उस चीज का जिनके लिए लेकर आ रहा था, वोट तो डाली गई है 4-5 हजार के द्वारा 1000 उठ रहे हैं, तो या तो 4 बजे लेकर आऊंगा या 5 बजे लेकर आऊंगा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए दोनों में से कौन सी है। मुझे फिलहाल 5 बजे लग रहा है, क्योंकि 4 बजे मैं डाल के देख चुका हूं। तो कल से वीडियो आप लोग की 5 बजे आने वाली है, अपना अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कीजिए। मैं नहीं चाहता कि फालतू में इस तरीके कमेंट मुझे फालतू में सुनने को मिले, और कि हाँ सर क्यों करा रहे हो ये इस तरीके से, फिर चीजें वही सारी चीजें दिमाग खराब करती हैं। ठीक है, यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर 5 बजे भी नहीं उठे ना तो फिर 11 बजे लाना स्टार्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, सोच लो क्या करना है आप लोगों।